रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL की आज की 42वीं एनुअल जनरल मीटिंग AGM है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस के कमर्शियल लॉन्च का ऐलान कर सकते हैं। पिछले साल की AGM में ब्रॉडबैंड सर्विस जियो गीगा फाइबर को ट्रायल बेस पर लॉन्च किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार जियो फोन 3 भी लॉन्च किया जा सकता है। क्या है जियो गीगा फाइबर? इसके तहत देश भर के छोटे बड़े 1100 शहरों को जोड़ा जाएगा। इस ब्रॉडबैंड सर्विस के तहत राउटर, सेट टॉप बॉक्स और स्मार्ट होम सॉल्यूशंस की फैसिलिटी मिलेगी। ब्रॉडबैंड सर्विस इंस्टॉल करने में सिर्फ 1 घंटे का समय लगेगा। इससे घर पूरी तरह हाईटेक और स्मार्ट बन जाएगा। इसकी मदद से ग्राहक पूरे घर को कंट्रोल कर सकेंगे। जियो गीगा टीवी के जरिए ग्राहक वीडियो कॉलिंग भी कर सकेंगे। कंपनी के दावों के मुताबिक इस पर दुनिया का बेस्ट एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा। बच्चे टीचर की मदद के बिना भी पढ़ सकेंगे। इसके जरिए डॉक्टर दूर बैठकर मरीजों का इलाज कर सकेंगे। इस बार रिटेल बिजनेस में न्यू कॉमर्स प्लान से जुड़े ऐलान के भी आसार हैं। जियो इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए ग्रामीण इलाकों के लिए एग्रीटेक, एजुटेक, हेल्थ टेक से जुड़ी योजनाएं भी बताई जा सकती हैं। पिछली 3 AGM में क्या ऐलान हुए? 2018-2999 रुपए में जियो फोन 2 जियो मॉनसून एक्सचेंज ऑफर। किसी भी फीचर फोन के बदले 501 रुपए में नया जियो फोन फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सर्विस जियो गीगा फाइबर। 2017 1500 रुपए रिफंडेबल में जियो फोन 2016। टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो का ऐलान। 2999 रुपए में 4G डिवाइस, सस्ता डेटा प्लान, 4G कनेक्शन, जियो टू जियो फ्री वॉइस कॉल।